तीसरे T20I मैच में वेस्टइंडीज को धराशाही करने के बाद अब पारी है चौथे T20I मैच को जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी करने की। तो ऐसे में टीम इंडिया और टीम वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है USA। जी हाँ दोस्तों, बता दूं आपको कि चौथा T20I USA की धरती सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क USA में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की महामजबूत प्लेइंग 11 के बारे में और साथ में बताएंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में एवं जानेंगे पिच रिपोर्ट्स। तो दोस्तों बता दूं आपको कि पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कुलदीप यादव की जहर बॉलिंग के दम पर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को बड़ी आसानी से हरा दिया था, किंतु चौथे T20I को जीतने का टीम इंडिया पर बहुत दबाव होने वाला है, क्योंकि यह मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम इंडिया यह मैच हार जाती है तो टीम इंडिया यह सीरीज गवा देगी। तो ऐसे में टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी और एक मैच विनिंग या कहे कि एक सटीक प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेगी। तो टीम इंडिया की मजबूत प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होने वाली है। तो ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में आपको यशस्वी जायसवाल के साथ एक बार फिर ईशान किशन नजर आ सकते। जी हाँ दोस्तों, बता दो आपको कि शुभमन गिल की लगातार T20I मुकाबलों में फॉर्म गिरती जा रही है, तो इस मैच में आपको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन एक बार फिर दिख सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के साथ ईशान किशन आपको नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर विस्फोटक सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, तो वहीं नंबर 4 पर तिलक वर्मा नजर आएंगे जो एक बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, जबकि नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, तो वहीं विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन एक बार फिर आपको नंबर 6 पर दिखेंगे, जबकि स्पिन ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल नजर आएंगे, तो वहीं पिछले मुकाबले में वापसी करने वाले कुलदीप यादव आपको स्पिन जोड़ी के रूप में यूजी चहल के साथ नजर आएंगे। जबकि फास्ट बॉलरों की बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग अटैक में आपको अर्शदीप सिंह नजर आएंगे, तो वहीं उनके साथी के रूप में मुकेश कुमार खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है। जबकि आगे हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो USA सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क की पिच रिपोर्ट देखी जाए तो इस मैदान पर टोटल अभी तक 11 मुकाबले खेले गए हैं, जबकि पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखा जाए तो वह 166 रन का है। तो इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो वेस्टइंडीज ने 245 रन का बना रखा है, जबकि लोवेस्ट टोटल की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम यहां पर 81 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार USA सेंट्रल रीजनल पार्क की पिच रिकॉर्ड रहने वाली है। जबकि हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक 28 T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि 9 मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं, तो वहीं एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार टीम इंडिया और टीम वेस्टइंडीज के पिछले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स रहे हैं। जबकि मैच की बात की जाए तो मैच 12 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम को 8 बजे शुरू होगा। मैच के लाइव प्रसारण की बात की जाए तो मैच को आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हो और टीवी पर डीडी नेटवर्क के चैनल पर आप मैच का फ्री में लुफ्त उठा सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार मैच से जुड़ी सारी जानकारी रहने वाली है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना।